हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो ही गई होगी, और अगर नहीं शुरू हुई है तो चलिए हमारे साथ तैयारियां करना शुरू हो जाइए, और घर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके ढेर सारे आइटम्स बना डालिए दिवाली में घर को डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरतीज यूनिक क्रिएशन पर। यहाँ पे मिलेंगे आपको कबाड़ से जुगाड़ के ढेर सारे आइडियाज़। तो आज का कबाड़ तो आपने देख ही लिया, जैसे कि ये डिस्पोजेबल सर्विंग प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या, ये कटोरी की तरीके हैं, और ये हार्ट शेप में है, ये वुड की बनी हुई है। तो इसमें हम लोग पहले कलर कर लेंगे, और कलर अपनी इच्छा अनुसार, तो आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। हमने इसमें रेड और येलो का कॉम्बिनेशन किया है। अब हमने इसे डेकोरेट करने के लिए गोटा पट्टी वाली पतली लैस ले ली है, और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए हमने लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं, और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो दिवाली के लिए इसे और शाइनी बनाने के लिए इसमें अब हम मिरर पेस्ट करेंगे, और मिरर इसमें हमने छोटे साइज़ के पेस्ट किए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और बीच में हमने ये गोटे का बना हुआ ये फ्लावर लगा दिया है। We'll be right back.
तो हमारे पास ये 5 कटोरियाँ रखी हुई थी, जिसमें से 3 में तो हमने रेड कलर कर दिया और बाकी 2 में येलो कलर कर दिया है। और इसमें हमने गोटा लगाने की बजाय बीच में हमने मिरर लगा दिया है। अब हमने ये गोल्डन कलर की चौड़ी लेस ले ली है और जितनी लंबाई आपको रखनी है उस हिसाब से जगह छोड़ते हुए इसमें पेस्ट कर देना है। बस आपकी हैंगिंग रेडी हो गई। तो दूसरे DIY के लिए हमने ले लिया है ये बेकार बल्ब होल्डर और इससे हम लोग बनाएंगे कैंडल होल्डर। क्या बात है, बल्ब होल्डर, कैंडल होल्डर, होल्डर ही होल्डर हो गया। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, बस सिंपली गोटे बड़े वाले चिपका दिए हैं जैसे भी हमें समझ में आए। आप चाहें तो इसमें कलर भी करके इसे रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।
हूँ।